ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2023 की दोपहर में 2:42 पर सूर्यदेव मीन राशि को छोड़कर मंगल से प्रभावित राशि और अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 15 मई 2023 तक सूर्यदेव मेष राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इस एक महीने की समयावधि में सूर्य सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इस परिवर्तन से सूर्यदेव किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं और कहां पर कर्क राशि के जातकों को सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है और सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप भी माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब, आजीविका और पेट का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का पूर्ण रूपेण आधिपत्य होता है। दर्शकों, सूर्य केवल एकमात्र राशि सिंह राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये तुला राशि में नीचस्थ स्थितियों में होते हैं और मेष राशि में उच्च के होते हैं। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली पर सूर्य की स्थिति यदि बली हो तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। सूर्य यदि अनुकूल हो तो जातक के अंदर मनोबल, उत्साह की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्षमता देखने के लिए मिलती है, यानी अपने अंडर में कई लोगों को कार्य कराने की क्षमता ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। सूर्य बलि हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में जातक को कम प्रयास में ही बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। सूर्य बलि हो तो जीवन में हमेशा मान सम्मान देखने के लिए मिलता है और ऐसा व्यक्ति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होता है। वहीं सूर्य की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर खराब हो, सूर्य नीच के हो या राहु केतु के साथ सूर्य की उपस्थिति हो तो हड्डियों जनित समस्या, नेत्र जनित प्रॉब्लम, बालों के झड़ जाने की समस्या, बार बार मान सम्मान में कमी, डिप्रेशन जैसी समस्या शरीर में निर्मित होती है। वहीं पिता तुल्य लोगों के साथ संबंध भी खराब रहता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आपके राशि के लिए सूर्यदेव आपके धन भाव के स्वामी होकर दिनांक 14 अप्रैल 2023 को आपके राशि के दसवें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। आपके राशि के दसम भाव से सूर्य का गोचर होना आपके लिए बेहद सकारात्मकता का सूचक रहने वाला है। दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, सरकारी नौकरी और कार्य क्षेत्र के बारे में विचार किया जाता है। दसम भाव पर सूर्य की मौजूदगी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की नई संभावना लेकर आने वाली है। सरकारी क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति आपको होने की संभावना दिखाई देगी। उसके साथ साथ सूर्य दशम भाव पर गोचर करेंगे तो इन दिनों में आपके वाणी और व्यक्तित्व में आकर्षण रहने वाला है। कर्क राशि के ऐसे जातक जो नई नौकरी प्राप्त करने की स्थितियों को लेकर चल रहे हैं या जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, कर्म भाव पर सूर्य का गोचर होना कई अवसरों की प्राप्ति आपको जीवन में कराने वाला है। यदि आप सूर्य देव से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे यदि आप डॉक्टर हैं,
राजनीतिज्ञ हैं, ठेकेदार हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, किसी प्रकार के सैनिक क्षेत्रों में यदि आपका जुड़ाव है तो आपके लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति होने का भी प्रबल योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक लिहाज से दशम भाव पर सूर्य का गोचर आपकी आय के साधनों में वृद्धि कर सकता है। कर्ज जैसी स्थिति यदि आपके जीवन में लगातार बनी हुई है उससे निपटने की स्थितियां निर्मित कर सकता है। उसके साथ साथ सूर्यदेव आपके राशि के दसवें भाव पर मौजूद होकर अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो घर परिवार में यदि आपको लगातार समस्या बन रही थी, चतुर्थ भाव पर सूर्य की जा रही दृष्टियां घर में सकारात्मकता और खुशी का माहौल निर्मित कर सकती है। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं और किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को खरीदने की योजना पूर्व के समय से बनाए हुए हैं, यानी यदि आप भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं तो इस समयावधि में आपके जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए मिलने वाली है। कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यात्राएं लंबी होती हुई दिखाई देगी। यहां तक कि यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और इस समयावधि में यदि आप वीजा वगैरह का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए संभावना बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपके जीवन में सूर्य का यह परिवर्तन कई प्रकार के सकारात्मकता को लेकर आया हुआ है। अब यदि आपके लिए हम धार्मिक उपाय की जानकारी दें तो सबसे पहले तो कर्क राशि के जातकों को दो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रतिद्वंदियों के साथ आपके संबंध, जो आपका मुकाबला है वो होने वाला है, इसमें आपको काफी अलर्ट होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। विरोधियों से कर्क राशि के जातकों को सावधान होकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आपके कर्म भाव यानी दशम भाव पर सूर्य के साथ राहु की उपस्थिति बनी हुई है। भावना के वशीभूत होकर कर्म क्षेत्र में यदि आप कोई बड़ा बदलाव करने के लिए जा रहे हैं तो सोच विचार कर ही बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि के जातकों, सूर्य को अनुकूल और मजबूत करने के लिए नित्य प्रति सूर्य देव को जल अर्घ देना बेहतर रहेगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर रखें। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।